एक पति पत्नी मेरे पास दर्शन करने आए, 5-6 साल का बच्चा भी साथ था। पति पत्नी ने बच्चे से कहा कि महाराज हैं, इन्हें धोक दो, इनको प्रणाम करो। बच्चा धोक देने को तैयार नहीं। माँ बाप ने उसका सिर पकड़ा और मेरे पैरों में रख दिया। अरे मैंने कहा ये क्या अत्याचार कर रहे हैं आप? बोले अत्याचार नहीं कर रहे महाराज, संस्कार दे रहे हैं। मैंने कहा धत्तेरे की संस्कार? वो अकड़ा जा रहा है, तुम उसकी गर्दन मेरे सिर में लगाए जा रहे, लगाए जा रहे, लगाए जा रहे। बच्चा कह रहा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तो मैंने कहा इस तरीके से ये प्रणाम नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा महाराज हम कैसे सिखाएं, बड़ा ढीठ हो गया, कुछ सीखता ही नहीं है। मैंने कहा बच्चा ढीठ नहीं हो गया, तुम्हारी सिखाने की शैली गलत हो गई है। छोटा सा बच्चा था, ज्यादा बोलना भी उसे नहीं आता था। माँ बाप से मैंने कहा एक काम करो, तुम दोनों जरा हाथ जोड़ो। माँ बाप ने हाथ जोड़े। मैंने कहा अब तुम नमोकार मंत्र पढ़ो। माँ बाप नमोकार मंत्र पढ़ने लगे। छोटे से बच्चे ने देखा कि मम्मी पापा हाथ जोड़े हैं, उसने भी झट से हाथ जोड़ लिए। अब नमोकार तो उसे आता नहीं था, वह मुंह से बुदबुदाने लगा, ओंठ चलाने लगा। अब मैंने कहा तुम दोनों प्रणाम करो। माँ बाप ने प्रणाम किया और बच्चे ने भी प्रणाम कर लिया। एक बात याद रखना, ग्वालियर वालों में आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये बात कहने का इतना ही मेरा मकसद है कि ये पीढ़ी 21वीं सदी की पीढ़ी ये सिखाने से नहीं सीखेगी, ये दिखाने से सीखा करती है। अरे जैसा तुम करोगे वैसा बच्चे करेंगे, जैसा तुम दिखाओगे बच्चे वैसा ही। अब सिखाओ मत, इन्हें करके कुछ दिखाइए। यदि आपने दिखा दिया, मालूम है बच्चे कैसे होते हैं? ये जो कैमरा लगाना मेरे सामने, टीवी का कैमरा, कभी छोटे बच्चों को देखना जो पलंग पे लेटा रहता है, वह बोलता कम है, वह देखता ज्यादा है। छोटे बच्चे किसी भी चीज को बड़ी टकटकी लगा करके देखा करते हैं। हमारी पलकें झपक जाएं लेकिन बच्चों की पलकें नहीं झपका करती हैं। बड़ी टकटकी लगा के देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। आप सोच रहे हैं कि ये देख रहा है, अरे वो देख रहा नहीं, वो इस कैमरे की तरह निगाहें टकटकी लगा करके देख रहा है। और जो जो बच्चा देख रहा है वो उसके दिमाग में रिकॉर्ड होते चले जाता है, और जो जो रिकॉर्ड होता है वही उसका व्यवहार। अभी कैमरा मुझे देख रहा है, बिल्कुल टकटकी लगाए, यहाँ वहां नहीं देख रहा है, और अभी कुछ नहीं बोल रहा, चुपचाप खड़ा है। और जब मैं चुप हो जाऊंगा फिर ये बताएगा कि मैंने कैसा एक्शन किया, मैंने क्या बोला। अरे कैमरा अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, जो बोलता है वह हमारे को देखकर बोलता है। और बच्चे अपनी तरफ से कुछ नहीं सीखते, जो भी सीखते हैं वह परिवार को देख करके सीखा करते हैं, हमारे व्यवहार को देख करके सीखा करते। हमारे घर में कैसा व्यवहार, एक पति बार बार झुंझलाएगा, बात बात पर उत्तेजित होगा। मैं आपसे पूछता हूं, सोचो बच्चा क्या रिकॉर्डिंग करेगा। एक बात ध्यान रखिए, जब तक औलाद नहीं हुई है तब तक जो करना है कर लो, और जिस दिन किसी औलाद को जन्म दे दो तो माँ बाप बनने का रोल अदा आपको करना चाहिए, शिक्षक बनने का रोल अदा आपको करना चाहिए। माँ की गोद बच्चे की प्रथम पाठशाला हुआ करती है। स्कूली ज्ञान के भरोसे मत रहना। स्कूलों में तो केवल डिग्रियां पकड़ा दी जाएंगी, स्कूलों में डॉक्टर बनाया जाएगा, इंजीनियर बनाया जाएगा, वकील बनाया जाएगा, स्कूलों में आईएएस आईपीएस अफसर बना दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, स्कूलों में डिग्रियां मिलेंगी, तुम्हारे बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बना देंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, स्कूल की शिक्षा डॉक्टर और इंजीनियर बनाती है, माँ बाप की शिक्षा एक अच्छा इंसान बनाया करती है। आप अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाइए, एक आदर्श व्यक्ति बनाइए। कैसा जीवन है, एक दादाजी को बच्चा जवाब दे देता है, क्या संस्कार है आपके घर में, विचार करिए, सोचिए। आप एक दादाजी को बच्चा जवाब दे रहा, मैंने दादाजी से कहा कि दादाजी ये जवाब दे रहा है आपको, बोले क्या करूं महाराज, सुनता ही नहीं है, एक बोलो तो हजार सुनाता है। मैंने कहा तुम कैसे दादाजी हो? बोले महाराज पूरे जीवन में मेरे बच्चे ने कभी मुझे जवाब नहीं दिया होगा, जो पोता मुझे जवाब देता है। मैंने कहा एक काम करो, जब ये तुम्हें अनर्गल बोले हो, जब तुम्हें जवाब दे, एक चाटक गाल में जोर से बच्चे को मार देना चाहिए। बोले महाराज कई बार मन होता है लेकिन मारने की हिम्मत नहीं होती। मैंने कहा क्यों? बोले मुझे डर लगता है कि बच्चा पलट के मुझे चाटा ना मार दे। आप सोचिए विचार करिए,
क्या संस्कार दिए हैं आपने? अरे तुम्हें दादाजी होने का हक किसने दे दिया कि एक पोते से आपको डर लगता है? नहीं मेरे भाई, ऐसे बच्चे एक आदर्श व्यक्ति तो नहीं बन सकते हैं। यदि एक दादाजी और एक बाप अपने बच्चे से कुछ कहने में डरता है तो समझना वो ऐसे आत्मघाती संस्कार दे रहा है कि आज बच्चा माँ बाप पर धौंस जमाता है, कल मोहल्ले में जमाएगा, परसों समाज में जमाएगा, और एक दिन तुम्हारा बेटा आदर्शवादी बेटा तो ना बनेगा बल्कि आतंकवादी बेटों में उस बच्चे का नाम शामिल हो जाएगा। आपसे मेरा निवेदन है, इतनी जुर्रत बच्चे की नहीं होना चाहिए कि वह माँ बाप को पलट करके जवाब दे सके। ध्यान रखिए, कैसे होगा ये? जब पति पत्नी रात दिन झगड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, जब आप अपने माँ बाप को जवाब देंगे तो औलाद भी तुम्हें जवाब देगी। ध्यान रखिए, बच्चे वही करते हैं जो तुम करते हो। ध्यान रखिए, आप सोचते हो कि बुढ़ापे में हमारा बच्चा हमारी सेवा करे, एक अच्छा बेटा बने? तो आपसे मेरा निवेदन है कि आज से ही अपने घर में बुजुर्गों का सम्मान करना सीख जाइए। अरे मैं कहता हूं कि अपनी भाषा पर विशेष ध्यान दीजिए। आदमी इतनी अनर्गल भाषा बोलता है कि वह भाषा एक दिन उसकी आदत बन जाती है और ये आदत ब्लड में जाकर के घुल जाते हैं संस्कार, फिर वही उसकी जिंदगी बन जाती। आदर्श व्यक्तित्व बनिए, भाषा का एक आदर्श होना चाहिए। ऐसा परिवार बनाओ, ऐसा माहौल बनाए माताएं कि बड़ों से ही आप कहना ना सीखे बल्कि बच्चों से भी आप कह करके बातें करें, बच्चों में भी जी लगा करके बातें करें। अरे बच्चों की बात तो छोड़ो, मैं तो कहता हूं कि तुम्हारे घर में जो नौकर रहता है ना उससे भी इज्जत से पेश आइए। इज्जत से पेश आएंगे ना तो नौकर ये नहीं कहेगा कि हर साल मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, यदि सम्मान दोगे तो उतनी तनख्वाह में भी आनंद के साथ जी लेगा, आपकी इज्जत करेगा, आपका सत्कार करेगा। इज्जत से पेश आइए, ऐसे शब्द ना बोले। मैं बड़े आदर के साथ बहुत बहुमान देता हूं कि जैन समाज में एक समाज ऐसी है जिसने आज भी अपनी भाषा की सभ्यता नहीं खोई है, इतनी अच्छी भाषा उनके घरों में बोली जाती है। मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश में घूमा करता हूं लेकिन कह सकता हूं कि जैन समाज में खंडेलवाल जैन समाज वो समाज है जहां बोली में आदर्श हुआ करता है, बोली में सभ्यता हुआ करती है। अरे बड़े तो बड़े, वहां तो साफ लगा करके बात की जाती है, वहां तो अच्छे शब्द बोले जाते हैं, वहां काका जी नहीं कहा जाता है, काका साहेब कह करके बुलाया जाता है। और तो और, वहां ऐसा कल्चर है, उनकी ऐसी संस्कृति है, ऐसी पढ़ी लिखी समाज है कि ड्राइवर को भी ड्राइवर कह के नहीं बुलाते हैं, उसे भी ड्राइवर जी कह करके आवाज दिया करते हैं। ये सभ्यताएं सीखिए। आप कैसा बोलते हैं अपने घर में? इज्जत से बोलेंगे तो बच्चा भी इज्जत से बोलेगा। ध्यान रखिए मान्यवर, किसी आदमी को क्या चाहिए? दो मीठे शब्द चाहिए और क्या चाहिए? तुम्हारे घर कोई आ जाए, मैं कहता हूं चाय फीकी हो तो चल जाएगी, आदमी की वाणी बड़ी मीठी होना चाहिए। मीठी वाणी होगी, वाणी अंतरंग का दर्पण हुआ करती है। आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उससे आपके स्तर का पता चलता है, जिन भाषा का आप प्रयोग करते हैं उससे आपके चिंतन का पता चलता है। यदि आप असभ्यता भरी बातें बोलते हैं तो समझ लीजिए हमारा स्तर बहुत गिरा हुआ स्तर है। अच्छी भाषा का प्रयोग करिए, नौकर से भी आप कहकर और जी लगाकर बात करना सीखिए। यह है बच्चों की परवरिश करना।